नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय टीम पहुंची भागलपुर। बिहार में बाढ़ से क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम सोमवार को पटना पहुंची थी। 5 सदस्यीय टीम अपर सचिव राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आज भागलपुर पहुंची। टीम लगातार समीक्षा बैठक कर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। भागलपुर समीक्षा भवन में खगड़िया बेगूसराय भागलपुर जिले के जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की गई। केंद्रीय टीम बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी और इसी के आधार पर नुकसान की भरपाई की राशि संबंधित जिले को भेजी जाएगी। इस दौरान केंद्रीय टीम का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण रहा। वहीं केंद्रीय टीम के वापस लौटने के बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी गई। इंटर मिनिस्ट्रियल जो एक टीम होती है उस टीम का भ्रमण था, जिसमें एक संयुक्त सचिव रैंक के पदाधिकारी उसको हेड कर रहे थे। तो कल वो टीम का भ्रमण दरभंगा में था, वहाँ भी कई जिलों का प्रेजेंटेशन हुआ। आज उसी क्रम में भागलपुर में खगड़िया और बेगूसराय के जिला पदाधिकारियों द्वारा भी जो बाढ़ को लेकर के क्षति हुई है उसके बारे में अवगत कराया गया और भागलपुर जिले में नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत कई स्थानों का टीम ने दौरा भी किया, देखा भी जो फसल क्षति हुई है या जो पुल पुलिया डैमेज हुआ है। तो हम लोगों ने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया और उनको बताया कि जो अभी फ्लड आया हुआ था उसके कारण किस तरह की क्षति हुई है। तो टीम सारी चीज़ों को देख करके समझ करके फिर राज्य के जो मुख्यालय है पटना वापस हुई है और फिर उस हिसाब से आगे कार्रवाई होगी।